रुद्रपुर के ट्रांसिट कैंप थाना पुलिस ने लंबे समय से हो रही क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले का खुलासा कर चोरी के साथ बाइक और एक स्कूटी बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बाइक को अलग अलग क्षेत्र से चुराकर यूपी और आसपास के जनपदों में बेचने का काम किया करते थे। वहीं बरामद की गई बाइकों की कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि पुलिस ने मोदी मैदान गंगापुर रोड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कड़ी पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर 7 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। इसके तहत ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, थाना ट्रांजिट कैंप की पुलिस को तहरीर मिल प्राप्त हुई थी कि बाइक चोरी के संबंध में घटना की सूचना मिली थी। इसी क्रम में हमने टीमें एक्टिवेट करके लगातार हम इसमें इनपुट पे काम कर रहे थे और चौकी आवास विकास और थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। सीओ सिटी के नेतृत्व में ये गाइड कर रहे थे पूरी टीमों को और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को मिली है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हमने 8 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिसमें से 2 बाइकें जो है वो थाना रुद्रपुर के मुकदमों से संबंधित है, 2 जो है ट्रांजिट कैंप के मुकदमों से संबंधित है, 2 जिला बरेली यूपी के मुकदमों से संबंधित है और अन्य 2 बाइकों की जानकारी इसमें की जा रही है।